हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेबी प्रोडक्ट्स की जो बहुत ही यूज़फुल रहा मेरे लिए और मुझे पता है आप लोगों के लिए भी ये ज़रूर यूज़फुल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मेरे लिस्ट में है ये बेबी हग का स्टेरिलाइजर कम वार्मर। सो बेसिकली ये वार्म भी करता है और स्टेरिलाइज भी कर देता है। सो मैं अपने बॉटल्स, जैसे मिल्क के बॉटल्स होते थे, वो इसमें ही स्टेरिलाइज करती थी। अगर सिंगल बॉटल है तो इजीली आप इसमें स्टेरिलाइज कर सकते हो। एंड अगर आप सपोज आपने दूध फ्रिज में रख रखा था और आपको वॉर्म करना है तो आप इजीली इसमें वॉर्म भी कर सकते हो। सो ये पोर्टेबल भी है, आप इसको कैरी भी कर सकते हो अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो। हमने भी रिसेंटली कहीं ट्रैवल किया था तो हम इसको लेके गए थे अपने साथ, बिकॉज आप कहीं जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली स्टेरिलाइज करना इतना ईजी नहीं होता। सो इसमें आप एक एक करके बॉटल को स्टेरिलाइज कर सकते हो। सो दिस इज़ नंबर वन ऑन द लिस्ट। नेक्स्ट इज द स्केटल। सो ऑब्वियसली जब आप बेबी के लिए फॉर्मूला बना रहे होते हो सो आपको पानी चाहिए होता है, एंड दैट टू बॉइल्ड वाटर चाहिए होता है। तो हम क्या करते थे, हम इसमें पानी बॉयल करके रख लेते थे, बॉयल करके फिर ठंडा कर देते थे, और जब भी ज़रूरत पड़ती थी फॉर्मूला मिल्क बनाने की तो यहाँ से पानी लेके फॉर्मूला लेकर हम बना देते थे, बहुत ईजिली हो जाता था। सो दिस केटल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है फॉर्मूला मिल्क। सो हमने ये नैन एक्सेला प्रो वाला फॉर्मूला लिया था। सो बेसिकली हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था, सो वी टुक दिस वन एंड माय बेबी टुक इट वेल, सो इट वाज गेटिंग डाइजेस्टेड प्रॉपरली। सो दिस वन इज अ स्टेज वन फॉर्मूला। सो इसको भी कैरी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और एनीवेज। लेकिन हाँ, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को ये डाइजेस्ट हो किसी को नहीं हो। सो आप अपने हिसाब से फॉर्मूला मिल्क ले सकते हो। Next on my list is this breast pump, which is a wearable electric breast pump. So I would say this saved me, because अगर आप पंप कर रहे होते हो और अगर आप मैनुअल पंप ले रहे हो या नॉर्मल इलेक्ट्रिक पंप ले रहे हो तो बैठ के पंप करना पड़ता है, क्योंकि सपोज इट्स टेकिंग अराउंड 30 मिनट्स और 45 मिनट्स फॉर इन अ सिंगल साइड, तो आपको उतनी देर तक बैठे रहना पड़ता है विद द पंप। बट दिस वन हेयर यू कैन जस्ट वेयर इट एंड डू योर वर्क एज वेल एज द पम्प विल एक्सट्रैक्ट द मिल्क ऑल्सो। सो ये वाला पम्प, रोबोसन का इलेक्ट्रिक बेस्ट पम्प, इट वॉज अ सेवियर, बिकॉज मैं अपना काम भी करती रहती थी और ये मिल्क पम्प भी कर देता था, और उसको मैं इजिली किसी और को दे सकती थी जो मेरे बेबी को पिला सके। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट एंड आई वुड से कि मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। आई वुड सजेस्ट कि आपको भी ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब मैनुअल और इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप से बहुत बहुत अच्छा है। मे बी इट इज़ कॉस्टिंग यू डबल, बट इट इज़ वर्थ इट। आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज दिस फिलिप्स एवेंट का बॉटल। ये छोटा है और ये बड़ा वाला है, अकॉर्डिंग टू द यू नो बेबी का एज के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। सो फिलिप्स एवेंट का बॉटल इज़ द बेस्ट बॉटल आई वुड से इन द मार्केट, बिकॉज हैज़ अ ज़ीरो फ्लो निपल। सो बेसिकली इसके कारण क्या होता है कि आप अगर आपने इसमें दूध रखा और आपने ऐसे ट्राई किया तो ये कभी भी स्पिल नहीं करता। दैट मीन्स ओनली इफ द बेबी लैचेस देन ओनली इट विल गिव द मिल्क। सो दिस इज़ द बेस्ट बॉटल टू अवॉइड द निपल कन्फ्यूजन दैट मोस्टली बेबी हैज़ इट। सो आई वुड से दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ मस्ट हैव फॉर एनीवन हु हैज अ बेबी। सो नेक्स्ट है ये ड्राइंग रैक। सो बेसिकली बहुत सारे बॉटल और पम्प्स होते हैं जो हमें यू नो आफ्टर स्टेरिलाइजेशन रखना होता है। तो पहले हम क्या करते थे, नॉर्मली एक ट्रे में रख देते थे या टेबल पे रख देते थे, बट उससे क्या होता है कि टेबल भी गीला हो जाता है एंड देन यू नो इट कैन स्पॉइल योर टेबल और ट्रे। सो हमने ये ड्राइंग रैक यूज़ किया जिसमें यू कैन जस्ट कीप योर बॉटल और पंप का पार्ट्स, ऐसे आप इसको ऐसे सुखा सकते हो। सो इजीली ये ड्राई हो जाता है। सो हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले मैं इसके फेवर में नहीं थी लेने के, बट हाँ दिस वाज रियली यूजफुल, जल्दी से ये ड्राई कर देता है चीज़ों को। नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज दिस डिश वॉश जेल फॉर बेबीज। सो बेसिकली क्या होता है कि आप ये स्टेरिलाइज करते वक्त क्या करते हो, पानी गर्म करते हो कंटेनर में, बड़े कंटेनर में, एंड देन यू कीप ऑल द बॉटल्स एंड द पम्प पार्ट्स हियर टू बॉयल, राइट।
और बॉईल करके उस पे रख देते हो, बट कभी कभी यू हैव टू यूज द डिश वॉश जेल ऑल्सो बिकॉज यू नो कलरिंग आ जाती है या कभी कोई पार्ट को अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं हो पाता पानी से. तो वंस इन अ वीक आई यूज दिस सेफ डिश वॉश जेल. मैं पानी कंटेनर में गर्म करती हूँ एंड देन आई यू नो एड दिस. उसके बाद सारी चीज़ें, सारे बॉटल्स और पंप के पार्ट को मैं डाल के फिर नॉर्मल पानी से मैं वॉश करती हूँ. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट. एंड या ये बेबी के लिए ही बना है, सो नो हार्मफुल केमिकल्स. अगेन द नेक्स्ट वन इन माई लिस्ट इज दिस डायपर. ये ऑब्वियसली डायपर के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, सो मैंने भी किया. सो अल्टीमेटली वॉट वी फाउंड वन द बेस्ट वन इज दिस पैम्पर्स का एक्टिव बेबी प्रीमियम टेप डायपर. या टेप डायपर इज बेटर वेन यू बेबी स्मॉल बिकॉज यू नो ईजी होता है यूज़ करना. सो हमने हगीज़ का भी यूज़ किया था, अदर और भी बहुत सारे ब्रांड को देखे थे, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है ये इट हैज़ वेरी गुड कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ अब्सॉर्प्शन. सो आई वुड रिकमेंड दिस वन, पैम्पर्स का प्रीमियम टेप डायपर, एक्टिव बेबी टेप डायपर. साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में एस लिया था एंड देन वी चेंज्ड इट टू एम. According to the size of the baby, the weight of the baby, it changes. ठीक है, so this was about diaper. Next is the wipes. Wipes में basically आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई खास difference नहीं है baby wipes में जो products market में available है. हमने Littles का लिया था because it was you know cheap, better than the other ones. But हाँ, you have to check कि इसमें कुछ ऐसे chemicals ना हो. Mostly जो आते हैं अभी market में सब वो chemical free ही रहते हैं, alcohol free और वगैरह वगैरह होते हैं. सो यू कैन टेक एनी ऑफ दी वाइप्स. और बेसिकली मैं सारे प्रोडक्ट्स का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आप कोई भी वाइप्स यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ब्रांड विच यू हैव टू यूज़. नेक्स्ट इज दिस राई का तकिया. हाँ, वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट बिकॉज नॉर्मल पिलो नहीं होते हैं बच्चों के लिए. यू हैव टू यूज़ अ मस्टर्ड वाला तकिया बिकॉज इट विल अवॉयड द यू नो फ्लैट हेड हो जाता है बहुत सारे बच्चों का. सो दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर शेपिंग द बेबीज हेड. सो आई वुड से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट. हमने अमेजोन से ख़रीदा था, मतलब इसको बनाना एंड ऑल स्टफ से अच्छा हमने सोचा अमेजोन से ख़रीद लेते हैं. सो दिस इज़ द वन विच वी हैव परचेस्ड, राई का तकिया. सो नेक्स्ट इज दिस बेबी शीट. या सो बेबी शीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि आपका बेड जो है वो कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है. सो हम हमेशा सुलाते वक्त नीचे ये शीट बिछाते थे, उसके ऊपर एक स्वाडल या कुछ बिछा के फिर बेबी को रखते थे. इससे क्या होता है कि एक तो आपका प्रोटेक्शन भी होता है मैट्रेस का, आपको नीचे रहता तो बेटर रहता है. सो दिस वन वी यूज्ड. और भी बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे अगर आप बेबी का ऑयल मसाज कर रहे हो तो इसको नीचे रख के देन यू कैन डू द ऑयल मसाजिंग. इससे आपका यू नो बेडशीट गंदा नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है कि अगर आप बेबी का पॉटी साफ कर रहे हो, यू नो कुछ भी ये ऐसा कर रहे हो, तो भी आप नीचे ये शीट बिछा दो एंड देन यू कैन डू इट सो दैट बाकी चीज़ें गंदी ना हो. एंड देन यू कैन जस्ट वॉश दिस शीट. एंड दिस शीट यू कैन ऑल्सो वॉश इन वॉशिंग मशीन. सो हम तो वॉशिंग मशीन में ही धोते थे. सो दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल. हाँ, बेबी के साइज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हो. ये वाला साइज़ थोड़ा बड़ा के लिए है, इससे थोड़े छोटे वाले भी आते हैं और एकदम बड़े वाले भी आते हैं. सो आप साइज़ के अनुसार ले सकते हो. नेक्स्ट इज दिस हिमालय का बकेट ऑफ थिंग्स फॉर बेबी. सो इसके अंदर ऑयल है एंड देन यू हैव क्रीम, बॉडी वॉश, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आर नीडेड फॉर बेबी. सो हमें थोड़ा डाउट हो रहा था क्या कैसे अलग अलग खरीदे. सो बेसिकली हिमालय का पूरा पैक है जिसके अंदर सब कुछ आता है, रैश क्रीम एंड ऑल द स्टफ जो नॉर्मली लगता है. सो हमने ये बकेट खरीद लिया और ये ईजी भी होता है ना, ईजीली आप सारी चीज़ें, हम क्या करते हैं कि बेबी की सारी चीज़ें नहाने के बाद जो जो चाहिए होती है वो हम इसमें रख देते हैं. सो दैट निकाला और डायरेक्टली इसमें से जो जो चीज़ें चाहिए वो यूज़ की और रख दी. एंड क्या बहुत यूज़फुल होती है. हमने जैसे विटामिन डी देते हैं रोज़, तो हम इसमें ही रखते हैं. एंड इवन काजल, आप ऐसी चीज़ें इसमें रख दो एंड इजीली यूज़ कर सकते हो. सो या दिस इज़ अनदर वन. नाउ हाँ, ऑयल की बात करें तो अब बेबी मसाज ऑयल तो आता ही है, वो यूज़ कर सकते हो हिमालय का या कोई और कंपनी का. बट स्टार्टिंग में मैंने वही यूज़ किया था, उसके बाद मुझे लगा कि यू नो यू शुड ट्राई समथिंग एल्स. सो मैंने पहले तो मस्टर्ड ऑयल ट्राई किया, फिर मैंने सुना कि
वो नहीं यूज़ करना चाहिए. यू नो पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट. सो फिर मैंने सोचा कोकोनट ऑयल में ऐसा कुछ लेना होगा जो फ्री फ्रॉम एनी यू नो हार्मफुल केमिकल या मतलब कुछ भी मिला हुआ ना हो. सो दिस वन आई सॉ ब्रिलेट का जिसमें लिखा हुआ है कि ये पूरा प्योर है एंड इट इज़ ऑर्गेनिक एंड कोल्ड प्रेस्ड. सो मैं अभी ये वाला ट्राई कर रही हूँ अपनी बेबी के लिए. दिस इज़ अ कोकोनट ऑयल, मैं लिंक दे दूंगी. सो बेसिकली मुझे लगा कि ये यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए भी. नाउ नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज दिस सीजर. सो आप सोच रहे होंगे किस चीज़ के लिए. बेसिकली बच्चों के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, आई मस्ट से. सो स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं था कि कैसे काटना है, क्या यूज़ करना है. फिर हमें पता चला कि जो ट्रिमर्स आते हैं ना, उससे बेटर है कि ये सीजर से आप बच्चों के नेल्स इजीली कट कर सकते हो. थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको, बहुत धीरे धीरे करके कट करना पड़ता है. और स्टार्टिंग में तो हमें समझ नहीं आया कि कैसे करें, बिकॉज बच्चे रोने लगते हैं ना जब आप कर रहे होते हो. बट फिर जब भी बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो वो थोड़े उस पर फोकस्ड होता है उनका माइंड. तो हम क्या करते हैं, जब भी दूध पिलाते हैं तब हम उनके नेल्स काट सकते हैं. सो दिस वन वॉज द बेस्ट फॉर नेल्स, हमने यही लिया. इसका पूरा किट आता है दो, बट सिर्फ यही अभी तक यूजफुल रहा है. सो या दिस वन. अगेन द नेक्स्ट थिंग ऑन माई लिस्ट इज दिस फीडिंग पिलो. दिस फीडिंग पिलो हैज़ मल्टीपर्पज़, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल हो सकता है. फर्स्ट तो ये फीडिंग पिलो है, ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यूज़ करते ही हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर टमी टाइम, बच्चे के टमी टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको. इसको मतलब बच्चे को इस तरफ से रख के, सो इट्स यूज मतलब उनके लिए ईजी होता है उठना, नेक वगैरह को ऊपर उठाना. उसके बाद इसको आप ऐसे थोड़ा एलिवेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो. ऐसे बच्चे को दूध पिला के डायरेक्टली आप फ्लैट नहीं सुला सकते, अदरवाइज वो दूध निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बच्चे का हेड इधर रख के ऐसे थोड़ा सा एलिवेट करके आप सुला सकते हो. हम इसको बहुत यूज़ करते थे, हमेशा दूध पिलाने के बाद हम इसमें सुलाते थे फॉर यू नो 10-15 मिनट्स. उसके बाद नॉर्मल सुला सकते हो. बट हाँ, इट वॉज अ सेवियर, बिकॉज अब तो मैं इसको फीडिंग पिलो की तरह नहीं यूज़ करती हूँ. मोस्टली तभी यूज़ करते हैं जब से दूध पिला के इसको सुलाने के लिए. ठीक है, तो बहुत यूजफुल रहा ये. सो लास्ट ऑन माई लिस्ट इज दिस सलाइन नेजल स्प्रे. ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये सीजन थोड़ा कोल्ड का सीजन आ गया है एंड माई बेबी एवरी डे वेन ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग उसका नोज पूरा ब्लॉक रहता है एंड ही लाइक डू लाइक दिस. सो मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है कि ये नेजल स्प्रे डालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैं मॉर्निंग होते ही हम सबसे पहले, जैसे ही वो आवाज़ें करता है हमें समझ में आ जाता है कि नेजल स्प्रे इज़ इम्पॉर्टेंट. हम नेजल स्प्रे दोनों नोज़ में डाल के उसको फिर थोड़ी देर रखते हैं तो अपने आप ही क्या होता है कि वो म्यूकस जो है वो निकल जाता है, मतलब निकलने वाला होता है. तो आपको थोड़ा सा निकालना पड़ता है ऐसे ऐसे करके. बट अल्टीमेटली दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो इसको ज़रूर ज़रूर लेके जाना, बिकॉज़ यू विल नीड इट. बेबी का बहुत बहुत फ्रीक्वेंट होता है कि उनका नोज़ ब्लॉक हो जाता है. सो या दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. सो ये सारी चीज़ें थी जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपका अभी न्यूबॉर्न बेबी है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है. यही था मेरा वीडियो, आई होप ये आपके लिए काम आएगा. आप ज़रूर बताना कमेंट में कि यूज़फुल रहा कि नहीं. अभी मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगी जिसमें मैं और भी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो हमारे लिए यूज़फुल रहा और जो यूज़फुल हो रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू, बाय बाय.